हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 17वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्वसन और गैसों का विनिमय। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको श्वसन तंत्र की संरचना और उसकी क्रियाविधि बताई कि कैसे हम सांस अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, गैसों का विनिमय। देखिए, हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन जा रहा है वो चला जाता है रक्त में, और रक्त में जो CO2 रहता है वो चला जाता है फेफड़े में, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है, ये रक्त घूम फिर करके हमारे ऊतकों के पास जाता है, कोशिकाओं के पास जाता है, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो ये जो ऑक्सीजन है रक्त से निकल करके कोशिकाओं में चली जाती है, और कोशिकाओं में जो CO2 अधिक रहता है वो वहां से निकल करके रक्त में आ जाती है। तो ये जो गैसों का विनिमय है ये पूरी तरह से विसरण के नियम पर आधारित है। विसरण के बारे में आप जानते हैं कि जहां पर पदार्थ की अधिक मात्रा है, वहां पर उनके अणुओं की अधिक मात्रा है, वहां से वो अपने कम मात्रा की ओर गति करते हैं, अगर वो गतिशील है तो। जैसे कि आप हवा को ले सकते हैं, हवा गतिशील है, उसके अणु द्रव है, उनके अणु भी गतिशील है, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको द्रव में डाल देने पर उसके अणु भी गतिशील हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आप शक्कर का एक गला ला करके पानी में डाल देते हो, तो आप देखोगे कि उसके अणु जो है धीरे धीरे गति करके पूरे उसमें बिखर जाते हैं और घुल जाता है वो, तो वो भी एक प्रकार का विसरण ही है। तो यहां पर जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा रहता है और रक्त में कम रहता है, इसलिए विसरण के द्वारा हमारे फेफड़े से उसके कुपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में चले जाता है, और CO2 का दबाव रक्त में अधिक होता है, इससे वो रक्त से हमारे लंग की ओर, हमारे फेफड़े की ओर आते हैं। तो ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त की ओर और रक्त से CO2 फेफड़े की ओर, इससे ठीक उल्टी प्रक्रिया ऊतकों के पास होती है। तो यहां पर आपको ये एक फिगर है, इसको आपको देख के ठीक से समझना है कि इसमें क्या है। देखिए, ये हमारे फेफड़े की कूपिका है, ठीक है, ये हृदय है, ये हमारे कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं। ऊतकों से अशुद्ध रक्त जो है पहले शिराओं के माध्यम से हृदय में आता है, हृदय से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़े में जाता है, फेफड़े में शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने का मतलब उसमें ऑक्सीजन भरना है, ध्यान रखेंगे। फेफड़े हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं, जबकि किडनी हमारे रक्त को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो वो शुद्ध रक्त है, और अगर इससे उल्टा है तो वो अशुद्ध रक्त है। तो यहां पर अशुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर से आया हृदय में, हृदय से अशुद्ध रक्त गया हमारे फेफड़े में, वहां पर शुद्ध हुआ, शुद्ध होने का मतलब इसमें ऑक्सीजन आ गया, CO2 चला गया, शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है, और हृदय से ये फिर पूरे कोशिकाओं में, ऊतकों में, धमनियों के माध्यम से जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो कूपिका है हमारे लंग में, यहां पर ऑक्सीजन का दबाव 104 है और CO2 का दबाव 40 है, ठीक है, जबकि ये जो रक्त अशुद्ध रक्त आ रहा है इसमें ऑक्सीजन का दबाव 40 है, जो कि इस 104 से कम है, और CO2 का दबाव 45 है, जो कि इस 40 से ज्यादा है। यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, ऑक्सीजन का दबाव इस रक्त में है 40 और CO2 का दबाव है 45। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि ऑक्सीजन का दबाव फेफड़े में अधिक है, कूपिका में अधिक है, और रक्त में कम है, तो ऑक्सीजन विसरण के द्वारा रक्त में प्रवेश कर गया, और रक्त में CO2 का दबाव अधिक है, कूपिका में CO2 का दबाव कम है, इसलिए यहां से CO2 इधर प्रवेश कर गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है अधिक दबाव कारण से इधर आ रहा है, CO2 अधिक दबाव कारण से इधर जा रहा है। तो ये जो रक्त यहां से बाहर निकला, जिसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का दबाव करीब करीब 100 के आसपास पहुंच जाता है, 95 लिखा है, यहां पर देख सकते हैं 95 पहुंच जाता है, और CO2 का दबाव
40 हो जाता है उतर के। दबाव को हम मिलीमीटर मर्करी ट्यूब में नापते हैं ना, एमएमएसडी बोलते हैं इसको। तो अब ये शुद्ध रक्त है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गया 95 और CO2 कम हो गया 40, ये घूम फिर करके आया ऊतकों के पास। अब ऊतकों में जो ऑक्सीजन का दबाव है वो है 40 और रक्त आ रहा है उसमें है 95, तो ऑक्सीजन ऊतकों में चला गया 95 से 40 की ओर और CO2 का दबाव ऊतकों में है 45 और इस रक्त में है 40, तो ये कोशिकाओं से रक्त में CO2 चला जाता है। फिर से बता देता हूं, यहां पर ऑक्सीजन 104 है, अशुद्ध रक्त में 40 है, तो 104 से 40 के बन गए और CO2 यहां पर 45 है, यहां पर 40 है, CO2 इधर चला गया। अब जब बाहर निकला ये शुद्ध होके तो उसमें ऑक्सीजन 95 और CO2 40 है, जबकि ऊतकों में ऑक्सीजन 40 है और CO2 45 है, तो ऑक्सीजन 95 से 40 की ओर और CO2 45 से 40 की ओर ये गमन कर देता है, मतलब अधिक से कम की ओर जाएगा। तो कोशिकाओं से रक्त में ऑक्सीजन आया, CO2 चला गया और रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं में आया और CO2 चला गया। तो ये एक प्रकार से पूरी तरह से विसरण पर आधारित प्रक्रिया है और विसरण अधिक दाब से कम दाब की ओर किसी भी पदार्थ को लेके जाता है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं फुफ्फुस धमनी लिखा है, क्योंकि हृदय से रक्त लेके ये लंग की ओर जा रहा है, फुफ्फुस यानी फेफड़े की ओर जा रहा है और हृदय से कोई भी जो रक्तवाहिनी निकलती है उसे हम धमनी कहते हैं और कोई भी रक्तवाहिनी हृदय के अंदर प्रवेश करती है उसे शिरा कहते हैं। तो पूरे शरीर में केवल एकमात्र ये धमनी है, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी एओर्टा, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और केवल एकमात्र फुफ्फुसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, अन्यथा बाकी सभी जगह पे जो धमनी होते हैं उनमें शुद्ध बहता है और शिरा में अशुद्ध बहता है, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है। फेफड़े की ओर जाने वाले धमनी में अशुद्ध है और फेफड़े से निकलने वाले शिरा में शुद्ध रक्त है, इसको जरा सा आप ध्यान रखेंगे। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है, जो फेफड़े हैं उनमें कूपिकाएं हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है, ये नीचे में आपने देखा कि रक्त और ऊतकों के बीच में कैसे आदान प्रदान हो रहा है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। सांद्रता प्रवणता का मतलब क्या है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो हम प्रवणता, प्रवणता का मतलब भिन्न, मतलब अंतर, प्रवणता का मतलब अंतर, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो हम सांद्रता प्रवणता होगी, ठीक है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, ठीक है। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, कि गैसों का मिश्रण है तो उसका कुल दाब भी आप निकाल सकते हो और अलग अलग गैसों का आंशिक दाब भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब एक साथ मिले हुए हैं, सबका दबाव मिलकर 100 है, लेकिन ऑक्सीजन का 20 है, नाइट्रोजन का 40 है, हाइड्रोजन का 10 है, ऐसा आप अलग अलग निकाल सकते हो आंशिक दबाव, ठीक है। और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 यानी प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ CO2 द्वारा दर्शाते हैं। तो हमको यहां पर सिर्फ दो ही गैसों का काम है, क्योंकि यही दोनों गैसें हमारे रक्त के साथ आदान प्रदान करती हैं। बाकी जो गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है या और कोई गैस है, वो हमारे रक्त के साथ आदान प्रदान सामान्य अवस्था में नहीं करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में। जैसे अगर वो समुद्र की बहुत गहराई में तैरने घुस गया और वो हवा को सांस ले रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन है, तो फिर रक्त में घुलने लगता है, अन्यथा ऐसे हमारे साधारण अवस्था में रक्त में वो नहीं घुलेगा। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में से इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका में और चित्र में दर्शाए गए हैं। तो चित्र तो मैंने आपको दिखा दिया, तालिका भी दिखाऊंगा मैं आपको। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं।
कुपिकाओं में जाता है तो वहां से रक्त में आ जाएगा, फिर रक्त में जाता है तो वहां से उतक में चले जाएगा, ऐसा है ठीक है ऑक्सीजन के लिए। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, मतलब रक्त में ज्यादा है कुपिका में कम है तो रक्त से कुपिका में चली गई, और उतकों में ज्यादा है रक्त में कम है तो उतकों से रक्त में चली गई। तो पहले उतकों से रक्त में गई फिर रक्त से कुपिका में चली गई CO2। वैसे ऑक्सीजन है पहले कुपिका से रक्त में आई फिर रक्त से उतक में चली गई, ऐसे तो होता है। क्योंकि CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से अधिक होती है, करीब 20-25 गुना अधिक होती है, अतः विसरण झिल्लिका में प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसको आप समझ लीजिए, देखिए आप देखिए कि कुपिका में ऑक्सीजन है 104 और रक्त में है 40, तो डिफरेंस कितने का है 64 का डिफरेंस है, 64 का। इतने अंतर के बाद ऑक्सीजन ऐसे मूव कर रहा है, और जब रक्त से उतक में जाता है तो इनके बीच में भी 55 का अंतर है तब जाता है, मतलब अंतर ज्यादा है देखिए ऑक्सीजन का। जबकि CO2 में आप देखिए कि रक्त में 45 है और कुपिका में 40 है, अंतर सिर्फ 5 का है, और उसी तरह से उतक में 45 है रक्त में 40 है तो यहां पर भी 5 का है। मतलब यह है कि ऑक्सीजन की दाब प्रवणता में बहुत ज्यादा अंतर होने के बाद वो गति कर पा रहा है, जबकि CO2 में दाब में कम अंतर है। यहां पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में 64 और 55 का दाब अंतर है, तब जाके वो कुपिका से रक्त में और रक्त से उतक में जा रहा है, लेकिन CO2 के दाब में बहुत कम अंतर है। रक्त में 45 है और कुपिका में 40 है, और वैसे ही उतक में 45 है और रक्त में 40 है, मतलब सिर्फ 5 का अंतर। तो जब ऑक्सीजन को अधिक अंतर की जरूरत पड़ रही है तो CO2 कम अंतर में भी कैसे गति कर पा रहा है, वो कैसे विसरित हो पा रहा है, उसी को ये बता रहा है कि CO2 का जो घुलनशीलता है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा है, तो जल्दी खुलता है तो जल्दी निकलता भी है। इसीलिए जब हम ऊतकों से रक्त में लाते हैं तो आसानी से रक्त में घुल जाता है, और रक्त से कुपिका में भेजते हैं तो आसानी से वहां से निकल के कुपिका में चला जाता है, क्योंकि 20-25 गुना ज्यादा इसकी घुलनशीलता है, तो जल्दी घुल जाता है इससे कम दबाव में भी घुल जाता है, और जल्दी निकल जाता है इससे कम दबाव में भी जल्दी निकल जाता है, क्योंकि जो जल्दी घुलता है जल्दी निकलता भी है। तो कम अंतर के बावजूद CO2 आसानी से झिल्ली के आर पार चली जाती है। अब यहां पर देखिए कि ये कुपिका है और ये रक्त वाहिनी है, ठीक है, जिसमें से आदान प्रदान हम करेंगे, तो इनके बीच में कुपिका और रक्त के बीच में कितने झिल्लियों का अवरोध है जिसको इनको पार करना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन को इधर आने के लिए और CO2 को इधर जाने के लिए कितने अवरोधक को पार करना पड़ेगा, तो वो वही है जितनी झिल्लियों से बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिए कुपिका की ये जो झिल्ली है इसकी एक स्तर है पतली स्तर, जिसको हम सलक्यूब कला कहते हैं। सलक्यूब कला की विशेषता होती है कि वो बहुत पतली एक झिल्ली होती है, उपकला की चपटी होती है, उसमें से गैस आसानी से आदान प्रदान कर सकते हो, पार कर सकते हो। और जो दूसरा स्तर है ये रक्त वाहिनी की स्तर है, ये भी एक कोशिकी स्तर है, और इसको हम अंतःकला कहते हैं एंडोथीलियम, और ये भी एक्चुअली सलक्यूब कला की ही बनी हुई है। ये जो एंडोथीलियम है जिसको हमने अंतःकला कहा, रक्त वाहिनी की जो झिल्ली है, ये भी एक कोशिकी झिल्ली है और ये भी सलक्यूब कला की ही बनी हुई है। तो दो स्तर हो गए यहां पर, और तीसरा स्तर जो यहां पर बीच में रहता है दोनों के, ये देखिए ये ठीक बीच में एक तीसरी स्तर भी है, और इसको हम कहते हैं आधारी तत्व, यानी बेसमेंट मैटर आधारी तत्व है। तो कुल मिलाकर तीन स्तर हो गए, कुपिका और रक्त के बीच में तीन स्तर, एक तो कुपिका की झिल्ली है जो सलक्यूब कला है, दूसरी रक्त केशिका रक्त वाहिनी की झिल्ली है वो भी एंडोथीलियम कहलाती है जो वही पतली है, और बीच में है आधारित तत्व, तो ऐसे तीन स्तर हो गए हैं। तो तीनों स्तर को पार करना पड़ेगा ऑक्सीजन और CO2 को।
विसरण झिल्लियां झिल्ली का मुख्य रूप से तीन स्तरों की बनी होती है, जो अभी मैंने बताया, जैसे कुपिका की पतली सल्की उपकला, ये वाली जो कि सल्की एपिथेलियम है, और कुपिकाओं की केशिकाओं, ये कोशिका लिख दिया है, केशिका है, केशिका, क्योंकि पतली रक्त वाहिनी को केशिका कहते हैं, कि अंतःकरण एंडोथेलियम, यानी ये वाला एक लेयर, और उनके बीच स्थित आधारित तत्व जो कि पतली आधारित झिल्लिका की बनी होती है। तो बीच वाली जो आधारित तत्व है वो भी एक पतली झिल्ली है, देख सकते हैं, तथा सहायक सल्की उपकला, आधारिका झिल्ली और रक्त केशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। ये कोशिकाएं लिखते हैं जब बार बार, केशिका है, कोशिका नहीं। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, तीनों की मोटाई मिलाएंगे तो 1 मिलीमीटर से भी कम हो जाएगी, इतनी पतली है तीनों, ठीक है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन के कुपिकाओं से उत्कों में और CO2 के उत्कों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो बार बार ये इस चीज में कंफ्यूज कर रहा है, तो पहले तो ये रक्त केशिका से आदान प्रदान होगा ऑक्सीजन और CO2 का, फिर रक्त केशिका जाती है उत्कों में, फिर वहां पर भी आदान प्रदान करती है। तो इसको ये पूछा है कई बार कि जो ये है कुपिका और ये जो रक्त केशिका है, रक्त है, उनके बीच में कितने स्तर हैं, तो तीन स्तर हैं, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब है गैसों का परिवहन। देखिए गैसों का परिवहन रक्त के द्वारा होता है, तो आप समझ गए। जो ऑक्सीजन है इसका करीब 95% सिर्फ हीमोग्लोबिन लेके जाता है, 97% तक लेके जाता है हीमोग्लोबिन, और बाकी जो 3% है वो रक्त की प्लाज्मा में घुल जाती है, उसके द्वारा जाती है। 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेकिन CO2 के साथ ऐसा नहीं है। CO2 का 70% सोडियम बाइकार्बोनेट बना के आता है और करीब 7% प्लाज्मा में घुल के आता है, ओके 77%, और बाकी जो करीब 23% है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के आता है। ये नई बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप जानते हैं वैसे पढ़े भी होंगे। हीमोग्लोबिन के लिए आप सोचते हो कि हीमोग्लोबिन आपके रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये तो सही है, लेकिन वो CO2 का भी परिवहन करता है। करीब 23% CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना करके, ठीक है, और वो फेफड़ों में आकर के उसको मुक्त कर देता है। ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। अभी मैंने बताया 97% हीमोग्लोबिन है RBC, शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा द्वारा घुलने अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा में घुल जाता है, उसके द्वारा ये परिवहन होता है। लगभग 20-25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 23% जो CO2 है वो लाल रक्त कणिका यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा, 7% प्लाज्मा के द्वारा, और बाकी 70% बाइकार्बोनेट, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य होता है, इसके द्वारा इसका परिवहन होता है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा के द्वारा घुल अवस्था में जाता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको जरा आप ध्यान समझिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इस हीमोग्लोबिन ने कुपिकाओं के पास फेफड़े में ऑक्सीजन को अपने में लोड किया, ठीक है, और ये रक्त के माध्यम से गया उत्कों के पास और उत्कों में इस ऑक्सीजन को छोड़ दिया और उतक ले लिया। लेकिन रक्त में जितने भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं वो सारे के सारे
अपने ऑक्सीजन को तोड़ के ऊतकों को नहीं देते हैं। सिर्फ 10% 20% 30% ही हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन टूट करके ऊतकों में जाता है और बाकी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन उनके पास ही रहता है। तो अब यहां पर समझिए कि अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज्यादा टूट टूट करके जाएंगे तो हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कम बचेगा, और अगर हीमोग्लोबिन से कम टूट के जाएंगे तो हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन ज्यादा बचेगा। और वही ऑक्सीजन कितना बचेगा ये इस अक्ष में हम एक्स अक्ष में लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्तता का प्रतिशत, हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन बचा है इसकी प्रतिशतता हम यहां पर नापते हैं, और यहां पर है CO2 का प्रेशर। ऑक्सीजन का प्रेशर नीचे में है, ऊपर में CO2 का प्रेशर। यहां पर देखिए जब हम कोशिकाओं में श्वसन कर रहे हैं तो कोशिकाओं से CO2 निकलता है और ऑक्सीजन उनको यूज होता है। सो साधारण अवस्था में जैसा अभी आपने पढ़ा था कि CO2 का प्रेशर 45 mmHg है, कहां पर है ऊतकों में, मतलब साधारण कार्य कर रहे हैं, बैठे हैं लेटे हैं थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर में नॉर्मल श्वसन का कार्य चल रहा है और CO2 45 की स्पीड से निकल रहा है, तो उनको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है हीमोग्लोबिन से उतने ऑक्सीजन टूट के उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यहां पर मान लो इस तरह से एक बना हुआ है सिग्माइड कर्व। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली इसको थोड़ा सा नीचे बनाना, कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूं। मतलब अभी अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन इतना बचा और यदि आपके ऊतकों में ज्यादा तेजी से श्वसन चलने लग गया तो CO2 ज्यादा उत्पन्न होने लग गया और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट टूट करके ऊतकों में जाने लगे तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम बचेगा, उस समय ये ग्राफ नीचे आकर के ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें ऑक्सीजन कम बचा हीमोग्लोबिन में, कम क्यों बचा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन टूट के ऊतकों में चले गए, क्योंकि ऊतक ज्यादा तेजी से श्वसन कर रहे हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऊतक ने ऑक्सीजन ले लिया इससे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम बचा। ठीक है, और मान लो कि ऊतकों का श्वसन कम हो गया तो फिर हीमोग्लोबिन से कम टूटेगा और हीमोग्लोबिन में अधिक बचेगा, तो मान लो हीमोग्लोबिन में इतना बचा, ठीक है ज्यादा बचा, ये देखिए ज्यादा बच गया, तो मतलब ये है कि कर्व जो है वक्र जो है दाएं साइड में और बाएं साइड में शिफ्ट होता है दो अवस्थाओं में। अगर ऊतक ज्यादा श्वसन कर रहे हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये वक्र नीचे की तरफ यानी दाएं की तरफ, देखिए दाएं की तरफ ये शिफ्ट हो गया है, लेकिन अगर ऊतक कम श्वसन कर रहे हैं उनको ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ रही है तो ये वक्र जो है बाएं तरफ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और अगर वक्र दायां शिफ्ट हुआ है तो हीमोग्लोबिन में कम हो गया और अगर बायां शिफ्ट हुआ है तो हीमोग्लोबिन में ज्यादा रह गया ऑक्सीजन। इसको बोर्स प्रभाव के द्वारा भी पढ़ते हैं, इसी को बोर का प्रभाव, कि भाई ऊतकों में ज्यादा श्वसन तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो हीमोग्लोबिन में कम बचेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऊतकों में चले जाएंगे, लेकिन ऊतकों में कम श्वसन तो हीमोग्लोबिन से कम टूट के जाएंगे इसलिए वहां पर ज्यादा बचेंगे, हीमोग्लोबिन में ज्यादा बचेंगे। तो ये कर्व जो है दाएं तरफ शिफ्ट होगा ज्यादा श्वसन में और बाएं तरफ शिफ्ट होगा कम श्वसन में, इसको जरा ध्यान रखेंगे, और ज्यादा श्वसन में हीमोग्लोबिन में कम हो जाएगा और कम श्वसन में हीमोग्लोबिन में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन को तो सब जानते हैं कि इसमें आयरन होता है, लोहा होता है और लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है अगर ये जुड़ा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये अलग भी हो सकता है,
तो एक तो ऑक्सीजन और दूसरा CO2, ये दोनों जब हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं तो वो अलग भी हो सकते हैं, इसलिए उनके जुड़ने को उत्क्रमणी कहते हैं, रिवर्स हो सकता है, टूट के अलग हो सकता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है, CO जुड़ जाता है, तो फिर वो उत्क्रमणी नहीं है, फिर वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ वो 300 गुना ज्यादा ताकत के साथ बंध बनाता है ऑक्सीजन की तुलना में, और इसलिए वो अलग नहीं हो पाएगा कभी भी, तो अनुत्क्रमणी होता है। लेकिन जैसा हमने कहा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनना ये उत्क्रमणी है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, उसको परिवहन कर सकता है, और 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है जो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि 1 ग्राम ऑक्सीजन 1.4 ml ऑक्सीजन को परिवहन कर सकता है। तो यहां पर जो डेटा लिखा है उसको याद रखिए कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का वहन कर सकता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि कूपिका में ऑक्सीजन की दाब अधिक है तो वो बलपूर्वक जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, और अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ा हुआ है तो उसको हटा के जुड़ जाएगा। आपको बता दें हीमोग्लोबिन के साथ जो बंधुत्व है वो CO2 का कम है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का है, और सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का CO का है। CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना चाहेगा, ऑक्सीजन भी जुड़ना चाहेगा, और CO भी जुड़ना चाहेगा, लेकिन बंधुत्व इस तरह से बढ़ी हुई है। अगर हीमोग्लोबिन में CO2 जुड़ के आया है तो CO2 को हटा के ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और CO2 लंग से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर सांस में आप धुआं ले रहे हैं तो फिर वो CO अगर मिल गया उसको हीमोग्लोबिन को, तो वो ऑक्सीजन के साथ भी नहीं बंधेगा, वो CO के साथ बंधेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वो बंधुत्व अनुक्रमणीय है, वो अलग नहीं होगा, मतलब ये है कि परमानेंट जुड़ गया। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। देखिए आप समझ लीजिए, अगर आप रक्त को लेकर के ऊतकों के पास जाते हैं तो ऊतकों में CO2 अधिक है और ऑक्सीजन कम है, इसलिए हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल के ऊतकों में चला जाएगा, बदले में CO2 जुड़ जाएगा। फेफड़े में ऑक्सीजन ज्यादा था तो उसने हीमोग्लोबिन के CO2 को हटा के खुद जुड़ा, लेकिन ऊतकों में जाते हैं तो ऊतकों में CO2 जाता है, वो हीमोग्लोबिन को हटा करके खुद जुड़ जाएगा और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन ऊतकों में चला जाएगा। तो CO2 अधिक होने से CO2 हटा देगा, O2 अधिक होने से O2 हटा देगा, एक दूसरे को हटा के जोड़ सकते हैं। यह अलग बात है कि CO2 से ज्यादा पावर ऑक्सीजन के पास है हमेशा, और अगर CO मिल गया तो सबसे पावरफुल है। pH का क्या मतलब है? अगर रक्त में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुआ, अम्लीयता बढ़ी, मतलब pH घटी, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना कम हो जाता है। कम pH में, अधिक तापक्रम में और CO2 की अधिक मात्रा में, ये 3 ऐसे कंडीशन है जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधुत्व कम हो जाएगा। क्या क्या कंडीशन? pH कम, CO2 अधिक, तापक्रम अधिक, ऑक्सीजन का जुड़ना कम हो जाएगा, ठीक है, और उल्टा हो जाएगा, उल्टा कंडीशन उल्टा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माफ कर्व प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का कर्व आपको मिला जिसको हम सिग्माइड या सिग्माफ कर्व कहते हैं, सिग्माइड कर्व। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले CO2, हाइड्रोजन आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। तो मैंने आपको बताया कि श्वसन ज्यादा तेजी से चल रहा है ऊतकों में, का मतलब वहां पर CO2 ज्यादा हो रहा है, तो CO2 ज्यादा होने का मतलब pH घट रहा है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए
कि CO2 रक्त के साथ मिलकर के H2CO3 बनाता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड के कारण से अम्लीयता बढ़ती है, हाइड्रोजन आयन बढ़ती है और पीएच घटती है, तो CO2 ज्यादा और पीएच कम हुआ और तापक्रम बढ़ा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अलगाव हो जाएगा, वो जुड़ के नहीं रह पाएगा, इससे वो उत्को में चला जाएगा। चित्र मैंने आपको दिखाया कुपिकाओं में जहां ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम होता है और हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होती है कुपिका में, तो किसी CO2 बाहर जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन कम होने से पीएच बढ़ जाता है, ध्यान रखें हाइड्रोजन आयन पीएच को घटाएगा, अम्लीयता पैदा करेगा, लेकिन लंग में तो हाइड्रोजन आयन कम रहेगा ना, CO2 बाहर फेंक दे रहे हैं तो ये CO2 निकल जा रहा है तो कार्बोनिक एसिड नहीं बन रहा है, तो लंग के पास कुपिका के पास पीएच अधिक हो जाता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है, इसलिए CO2 निकल जाता है और O2 जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और उदकों में उल्टा कंडीशन है, वहां पर CO2 ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा पीएच कम, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन टूट के उदकों में जाता है और निम्न तापक्रम होता है फेफड़ों में, वहां ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कम होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए, तापक्रम कम होना चाहिए यानी पीएच अधिक होना चाहिए, तब ऑक्सीजन जोड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, जबकि उदकों में ऑक्सीजन कम CO2 ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा यानी पीएच कम और तापक्रम ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के अनुकूल होती है, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल करके उदकों में चली जाएगी। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बदलता है, फेफड़े से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाके जुड़ेगा और उत्तकों में वियोजित हो जाता है, और वो ऑक्सीजन उत्तकों में जाके हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कंडीशन है दोनों। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक परिस्थिति में उत्तकों को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखिए 100 मिलीलीटर रक्त जो है 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ml को ही दे रहा है उत्तकों, और ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है परिस्थिति अनुसार, जैसा हमने बात किया। अब है CO2 का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रक्त में आता है तो मैंने कहा तीन रूपों में आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट 70% और 23% हीमोग्लोबिन के साथ कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन और 7% प्लाज्मा में घुल जाता है। तो मुख्यतः यहां पर क्या है, यहां पर मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का काम भी आरबीसी करता है, लाल रक्त कणिका करता है, वहां पर एक प्रक्रिया चलती है जिसको हम हैमबर्गर प्रक्रिया कहते हैं, हैमबर्गर या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, उस प्रक्रिया को यहां नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो हैमबर्गर या क्लोराइड शिफ्ट प्रक्रिया के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है उत्तकों के पास, इसमें आरबीसी मदद करता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब उदकों से रक्त में होते रक्त से होते हुए फेफड़ों तक आता है तो भी उल्टी प्रक्रिया चलती है और सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं, 70% जो है CO2 इसी रूप में परिवहन किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20-25% के रूप में वहन की जाती है, तो मैंने अभी कई बार बताया कि हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है जो 23% होता है, 20-25% है ना। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है, क्योंकि वहां पर ऊतक में CO2 की आंशिक दाब अधिक है इसलिए वो रक्त में आकर के ऐसा बनाया। ऑक्सीजन का दबाव इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है, उत्तकों में CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। मैंने बताया ना आपको उत्तकों में CO2 ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन को हटा के खुद जुड़ जाता है, ऑक्सीजन उत्तक में यूज कर लेता है, लेकिन कुपिका में ऑक्सीजन ज्यादा है तो CO2 कहां का हटा के जुड़ जाता है, CO2 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखे अपन, हाँ मुख्य कारक, ठीक है, कुपिका में जहां CO2 कम है और O2 अधिक है,
कार्बनिक हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होता है, अलग हो जाता है। अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2, ऊतकों के पास CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ा था, वो आक्रामी कोशिकाओं में अलग हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च होती है और प्लाज्मा में भी थोड़ी अल्प होती है। इस एंजाइम से एक प्रतिक्रिया होती है दोनों दिशा में, CO2 H2O के साथ मिलकर के H2CO3 बना लेता है और ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंजाइम है, हमारे रक्त लाल रक्त कणिकाओं में ज्यादा होता है, थोड़े प्लाज्मा में होता है, तो ये प्रक्रिया करता है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। और कार्बोनिक एसिड का ये जो बाइकार्बोनेट है ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है NaHCO3 और वो आता है परिवहन करके, क्योंकि हमारे रक्त में सोडियम और क्लोराइड दोनों पर्याप्त मात्रा में है। ऊतकों में अपचय के कारण मतलब श्वसन कारण CO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC और प्लाज्मा में विषरित हो जाती है और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बनाती है। कोपिका में CO2 का कम दाब होने की प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, मतलब अब रक्त से CO2 लंग में चली जाएगी, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कोपिका तक परिवहन CO2 बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। तो ऊतकों में रक्त ने ऊतकों से रक्त ने CO2 को लेकर बाइकार्बोनेट बनाया, फिर उसको लेके लंग तक कोपिका तक लाया और वहां पर CO2 को मुक्त करके बाहर निकाल दिया। वहां पर आपने पढ़ा था कि 100 मिलीलीटर रक्त जो है 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है और यहां पर 100 मिलीलीटर रक्त जो है करीब 4 मिलीलीटर CO2 की मात्रा को मुक्त करती है लंग में। ऑक्सीजन 5 ml और CO2 4 ml को मुक्त करती है, ठीक है। अब है श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए अगर आप सांस को रोकना चाहते हो तो 1 मिनट आधा मिनट 2 मिनट 3 मिनट अपने अभ्यास अनुसार रोक सकते हो, उसके बाद श्वसन अपने आप चालू हो जाएगा, क्योंकि श्वसन जो है मस्तिष्क से नियंत्रित होती है अपने आप। और मस्तिष्क में सबसे आखिरी पार्ट यहां पर होता है पश्च मस्तिष्क, उसका एक भाग होता है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, मस्तिष्क का अंतिम शिरा पश्च मस्तिष्क का नाम है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। और उसके साथ एक चीज और जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं पॉन्स वेरोलाई, उसका पूरा नाम है। ये हमारे मस्तिष्क के अंग बता रहा हूं मैं आपको, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा और पॉन्स वेरोलाई। और पॉन्स वेरोलाई के अंदर एक चीज है, एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, पॉन्स वेरोलाई और पॉन्स वेरोलाई के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये हमारे श्वसन के केंद्र होते हैं, यहां से जो है आवेग आता है, इंपल्स आता है, संदेश आता है। तो ये जो हमारे सांस चलाने वाली जो पेशियां हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम, ये सब चलते चलते हैं और ऑक्सीजन मतलब हवा लेना देना, श्वसन करना चालू रखते हैं। अगर यही सेंटर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ज्यादा इंपल्स देने लगेगा तो आप हांफने लगोगे, और कम देने लगेगा तो आपकी सांस कम हो जाएगी, और देना बंद कर देगा तो सांस बंद हो जाएगी। पूरा ये श्वसन केंद्र पर निर्धारित है, ठीक है। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। आपका श्वसन शरीर की जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा चलते रहता है, यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या है, देखिए मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लॉन्गाटा क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने कहा अभी इसके नाम मस्तिष्क के पॉन्स वेरोलाई क्षेत्र में भी एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी या न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, जिसका नाम अभी मैंने बताया,
श्वास प्रभावी केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत कर सकता है, सुधार कर सकता है। लय मतलब लय में चलना, जैसे आपका चालू है बंद है ऐसा लय में चल रहा है सांस, तो उसको ये लय में चलाने का काम करते हैं। ये मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, पांच मेडुलाई, और पांच मेडुलाई के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए, अंतः श्वसन की अवधि को कम करने का मतलब सांस तेजी से चलाना है, जैसे देखिए अवधि कम हुई ना तो मतलब सांस तेज चल रही है, और अवधि ज्यादा करेंगे तो सांस धीमी हो जाएगी, ये मतलब इसका। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी यानी कीमोटैक्स कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। देखिए ये कीमो संवेदी जो है, रसो संवेदी जो है, एक तो हमारे इसी कीमो न्यूमोटैक्सिक सेंटर में CO2 की अधिक मात्रा अगर रक्त में हुई तो सांस तेज चल जाएगी, क्योंकि CO2 इन्हीं केंद्रों को जाके स्टिमुलेट कर देता है, उनको उत्तेजित कर देता है, सांस जल्दी कर चल के CO2 को जल्दी जल्दी फेंकने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी में एक मुख्य रक्त वाहिनी है कैरोटिड धमनी, ये हार्ट से निकलने के बाद ये सिर की तरफ आने वाली एक धमनी है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड महाधमनी, ठीक है, जो ऊपर सिर को पूरा रक्त का आपूर्ति करता है, रक्त की आपूर्ति करता है। उसी कैरोटिड जो धमनी है उसके अंदर भी संवेदी होते हैं जो रक्त में CO2 की अधिक मात्रा की संवेदना को ग्रहण करके ब्रेन तक उस संवेदना को पहुंचाते हैं और सांस को तेज कर देते हैं। तो कहां कहां है कीमोसेंसिटिव एरिया रसो संवेदी, एक तो ब्रेन की उसी मेडुला में है, इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर में, और दूसरा कैरोटिड धमनी में, जो कैरोटिड धमनी सिर की ओर जा रहा है रक्त लेकर के, उसमें भी। तो ये संवेदनाएं CO2 की अधिक मात्रा को संवेदित करते हैं, संवेदना को ग्रहण करते हैं और ब्रेन को स्टिमुलेट करके सांस को तेज कर देते हैं। मतलब बैठे बिठाए आदमी को अगर आप CO2 का इंजेक्शन लगा दोगे तो बैठे बिठाए वो सांस नहीं लगेगा, ठीक है। और जब हम तेजी से काम करते हैं, दौड़ते भागते एक्सरसाइज करते हैं तो हांफते हैं, तो इसलिए ही हांफते हैं कि CO2 अधिक हो गया रक्त में, इसलिए नहीं हांफते हैं कि हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। यह अलग बात है कि शरीर ने हांफने की प्रक्रिया में CO2 को अधिक अधिक फेंकने की प्रक्रिया के रूप में चालू किया है, लेकिन उससे हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन तेजी से मिल जाता है, वो भी हमारे काम का चीज है, लेकिन मुख्य कार्य CO2 को बाहर निकालना है, इसके लिए हांफते हैं। जो CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होते हैं, इन पदार्थों की वृद्धि से हम केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे पदार्थ निष्कासित किए जा सके तेजी से। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी यानी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और हाइड्रोजन आयन के परिवर्तन को पहचान सकते हैं। ये महाधमनी क्या है पता है, यहां से हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के धमनी निकली जिसको महाधमनी कहते हैं, फिर वो ऐसे नीचे की तरफ घूम करके नीचे के अंग को सप्लाई देता है और यहीं पर ऊपर के अंगों के लिए भी सप्लाई निकलता है, रक्त वाहिनी निकलती है। तो ये महाधमनी चाप जो ऐसे घूम करके बाएं सिरे से घूम करके नीचे आया उसी को चाप कहते हैं, चाप, ठीक है, उसमें भी है CO2 के लिए, और ग्रीवा धमनी ऊपर जाता है उसमें भी है, ठीक है। से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 हाइड्रोजन के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। देखिए मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन के लिए हम हांफते नहीं हैं, हम CO2 को बाहर फेंकने के लिए हांफते हैं। अब है श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब देखिए श्वसन के विकार क्या क्या होते हैं, तो मुख्यतः होता है दमा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होता है, सूजन हो जाता है, म्यूकस भर जाता है। दमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ यानी सूजन के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है,
और श्वास लेने में कठिनाई होती है। एक तो नलिकाओं में सूजन आ गया है, ऊपर से इसमें म्यूकस ज्यादा भर जाता है, इसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है। श्वसनी शोथ यानी वही रास्ते पूरा सूज जाता है, यह श्वसनी की शोथ है जिसमें विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होती है जिससे लगातार खांसी होती है। तो दमे का ही एक रूप है ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उसमें भी सूजन नहीं होता है। वातस्फीति या एम्फाइसीमा, जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनके देखिए, जैसे कि ये अलग अलग कुपिकाएं हैं, देखिए ध्यान से, ये एक कुपिका है, ये एक कुपिका है, ये एक कुपिका है, मान लो तो इनकी जो बाह्य सतह है ये अलग अलग ऐसा है देखिए, ठीक है, लेकिन सिगरेट पीने वालों की ये कुपिकाएं आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर ऐसे बन गए पीरो मिल करके। तो अब ये सतह तो है लेकिन ये सतह, ये सतह, ये सतह, ये सतह, ये तो गायब हो गए ना। तो मतलब यह है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए जितनी सतह पहले उपलब्ध थी उतनी सतह अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए रक्त में गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और यह सिगरेट पीने वालों के साथ होता है एम्फाइसीमा। चीरकालिक रोग है, लंबे समय तक कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है, धूम्रपान इसका मुख्य कारण है। व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स पे प्रॉब्लम होती है, जैसे एक केमिकल होता है एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस का प्रयोग हम अग्नि सह ईंटे बनाने के लिए करते हैं, जिनका प्रयोग हम भट्ठियों में करते हैं जो अग्नि को सहन कर सकता है अधिक तापमान, तो वो जो एस्बेस्टॉस है उसको जिस फैक्ट्री में बनाई जाती है वहां के मजदूरों को एस्बेस्टॉस लगातार सांस में जाता है तो लंग का कैंसर हो जाता है फेफड़े का, और उसे हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। वैसे ही पत्थर तोड़ने वाले जो मशीन होते हैं जिसको क्रेशर कहते हैं, गिट्टी गिट्टी जिससे रोड बनाते हैं गिट्टी, वो क्रेशर का जो फैक्ट्री होता है, कारखाना होता है जिसमें पत्थरों को तोड़ तोड़ के छोटे गिट्टी बनाते हैं, उसमें बहुत धूल उड़ते रहता है पत्थरों का, वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनके लंग में भी ये चला जाता है और लंग के वो जो कुपिकाएं हैं उनको चौक कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है। कुछ उद्योगों जहां पत्थर की घिसाई पिसाई तोड़ने का कार्य होता है वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कर सकती, शरीर उन धूल के कणों को लंग में जाने से नहीं रोक पाती। दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है जिनसे रेशा मैदा रेशी ऊतकों की प्रचुरता होती है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। तो ऊतकों में फेफड़े की कुपिकाओं में फाइबर्स बन जाते हैं, तंतु बन जाते हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम कॉटन इंडस्ट्री में होता है जिससे गद्दे तकिए रजाई बनाते हैं, वहां पर कॉटन की धूल उड़ती है और वो सांस में लंग में जाकर के इसी टाइप की समस्या पैदा करती है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए, मास्क, अभी कोरोना में आप मास्क का जो प्रयोग कर रहे हैं उस टाइप के मास्क का प्रयोग इनको करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, हम स्वच्छ परिवहन तंत्र पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।